हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं, यूट्यूब पे आना चाहते हैं और अपनी फर्स्ट वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी फर्स्ट वीडियो भी बना पाएंगे और यूट्यूब से मेरी तरह ही घर बैठे पैसे भी कमा सकेंगे। तो देखिए, यूट्यूब पे वीडियो ना बना पाने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण जो हम हाउसवाइफ्स के पास होता है वो होता है टाइम का मैनेजमेंट। हमारे पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि हमें इतने सारे काम करने होते हैं छोटे से टाइम पीरियड में। खाना भी बनाना है, घर की सफाई भी करनी है, बच्चों को भी संभालना है और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो देखिए, सब मुझसे पूछते हैं कि आप टाइम कैसे निकाल पाते हैं। देखिए, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। बीच में से आपको अपना थोड़ा सा कंफर्ट छोड़ना पड़ता है। अब जैसे देखिए, सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है तो सब लोग जाते हैं धूप सेकने के लिए, चले जाते हैं, लेकिन मुझे, मैं वो अपना कम्फर्ट छोड़ती हूँ और उस टाइम पर मैं वीडियो बनाती हूँ। मतलब थोड़ी देर 10-15 मिनट का धूप का अपना जो भी है, धूप में बैठे, उसके बाद फिर वीडियो बनाने के लिए लगे। लेकिन अगर मैं हर 1-2 घंटा धूप में ऐसे धूप सेकने के लिए निकाल दूंगी तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। इसी तरीके से क्या होता है, गर्मियों में आराम से दोपहर के टाइम पे बहुत गर्मी होती है, बहुत आलस आता है और लोग आराम से कूलर वगैरह चला के सो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं आराम से वीडियो बनाती हूँ। और कई बार हमें फैन भी ऑफ करना पड़ता है क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग करते टाइम हमें फैन बंद करना पड़ता है, नहीं तो वो कपड़ा उड़ जाता है। तो देखिए, गर्मियों में बिना पंखे के भी हमें काम करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। तो अपना कंफर्ट लेवल आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, यूट्यूब से पैसे कमाने हैं तो आपको अपना कंफर्ट लेवल थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। और यूट्यूब में अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, काफी अच्छे पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो ये चीज तो आपको सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। तो ये था टाइम मैनेजमेंट का। अब दूसरा फैक्टर क्या है कि क्या होता है कि हम सोचते हैं जब हम किसी चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे, जैसे अगर आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे यूट्यूब चैनल बनाने की सोचने का, तो आप सोच रहे होंगे जब किसी कैटेगरी में बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी, मुझे कुछ बनाना आ जाएगा, तो उसके बाद मैं अपना ये शुरू करूंगी जब मेरे अंदर पूरी परफेक्शन आ जाएगी। तो देखिए, परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, चेंजेस होते हैं, लेकिन आप परफेक्ट कभी नहीं बनते। आपको हमेशा कुछ ना कुछ आप नया सीखते रहते हैं। जैसे आप कोई एक चीज़ बनाएंगे तो उससे कुछ नया सीखेंगे, फिर आप दूसरी चीज़ बनाएंगे, फिर कुछ नया बनाएंगे और फिर उससे नेक्स्ट चीज़ आप सीखेंगे। तो इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट चलती रहती है। तो जैसे आप कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखेंगे तो अगर आप उनकी पहली पुरानी, सबसे पहली 5 साल 4 साल, मतलब जितने भी पुराने यूट्यूबर्स है, वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे उनकी तब की वीडियो में और अब की वीडियो में बहुत चेंजेस है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स है। उन्होंने शुरुआत ऐसे ही की थी, जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो भी परफेक्ट नहीं थे, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं भी परफेक्ट नहीं थी। मतलब आप लोग को मतलब कहते हैं कि आप बैग बनाने में परफेक्ट हो, लेकिन अगर आप मेरी पहली बैग की वीडियो दिखाती हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में, देखेंगे तो ये मेरी पहली वीडियो थी जो मैंने हाथ वाली सिलाई मशीन से बनाई है। मतलब मुझे बैग बनाना नहीं आता था और इस वीडियो को बनाने के लिए स्पेशली मैं जब मायके गई थी तो वहाँ पे मैंने मम्मी से पूछा था कि इसको कैसे जोड़ते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, मीन्स मुझे बैग बनाने नहीं आते थे। तो मैंने जो कुछ भी सीखा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करती गई। यूट्यूब पे किसी की 4 वीडियो देखी तब जाके एक चीज समझ में आई मुझे कि हाँ, बैग में ये वाली चीज इस तरीके से लगती है। और जैसे जैसे मैं बनाती गई तो मेरे में परफेक्शन आती गई, धीरे धीरे मेरे में इंप्रूवमेंट्स आती रही। और अभी तक आप देखेंगे कि आप मेरी कोई पुरानी वीडियो उठा के देखिए और अब की वीडियो देखिए तो उनके बैग्स बनाने में और मेरे बताने के तरीके में बहुत डिफरेंस है। इवन मैं जब फेस नहीं दिखाया था, मैं स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं फेस नहीं दिखाती थी, मतलब सिर्फ मेरे हैंड्स नजर आते थे। अब बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो दिखाती हूँ आपको, देखिए ये वाली वीडियो, इसमें तो मैंने वॉइस भी नहीं डाली है क्योंकि मुझे बोलने में भी बहुत, मतलब बहुत हिचकिचाहट होती थी बोलने में, कि बोलना भी नहीं आता था कि मैं कैसे बोलूं। लेकिन मैंने शुरुआत की, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स आई उसमें, फिर धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए आज मैं इस लेवल तक पहुंच गई हूँ कि मुझे सब लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे बैग बनाते हैं। मुझे सिर्फ सिलाई का काम आता था, मुझे बैग्स वगैरह बनाने बिल्कुल भी नहीं आते थे। मैंने जो कुछ भी सीखा है यूट्यूब पे, धीरे 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 काम करते करते, अपने आप को इम्प्रूव करते हुए, धीरे धीरे चेंजेस आते रहे और फिर मैं धीरे धीरे करती रही। पहले मेरे पास अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं था, बाद में अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी ले लिया। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे होती रही। तो अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव कैसे करेंगे? इसलिए आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है। अब आप बोलेंगे हमें कुछ नहीं आता तो हम किस चीज की वीडियो बनाए? देखिए, सबको कुछ ना कुछ जरूर आता है। हम जो हाउसवाइफ है, हम जो घर के काम करते हैं, हम किसी ना किसी काम में
परफेक्ट जरूर होते हैं, किसी को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, और हमारे इंडिया में तो स्टिचिंग मतलब बहुत सारी लेडीज हैं जिनको स्टिचिंग आती ही आती है। अगर थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो आप धीरे धीरे, जैसे मैंने इम्प्रूवमेंट की है अपने काम में, आप भी उस चीज़ को धीरे धीरे आप उस चीज़ को सीख जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे तो ज़रूर सीखेंगे। अब किसी को कुकिंग बहुत अच्छी आती है तो कुकिंग की वीडियोज़ बना लीजिए, स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है तो स्टिचिंग की वीडियोज़ बना लीजिए। अब इसके अलावा अब आप कहेंगे ना तो मुझे कुकिंग अच्छी आती है ना स्टिचिंग अच्छी आती है, तो इसे भी छोड़ दीजिए। आप घर को रखते हैं, घर को बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा बना के रखते हैं, घर को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट की वीडियो बना लीजिए। घर को आप सुंदर सा सजाते हैं तो घर को सजाने की वीडियोज़ बना लीजिए। जो आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं या ऑफलाइन खरीदते हैं, उसे आप घर को कैसे डेकोरेट कर रहे हैं, आपने किस तरीके से अपने घर को डेकोरेट किया, आप उस टाइप की वीडियोस बना लीजिए। यूट्यूब पे हर टाइप की वीडियोस चलती हैं, बस आपको उसे धीरे धीरे, एकदम से नहीं चलेंगी, धीरे धीरे आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, वीडियो चढ़ाने में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो आगे आने वाली वीडियोज में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। तो देखिए, जिस चीज में आपका मन लगता है, कुकिंग में लगता है, स्टिचिंग में लगता है, होम डेकोरेशन में लगता है, किचन के टिप्स बहुत बताती हैं लेडीज उसमें लगता है, किसी भी चीज में, जिस चीज में आपका दिल लगता है, मन लगता है, मन खुश होता है, आप उस चीज की वीडियो बनाइए, फिर देखिए सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों में क्या होती है, मतलब मेरे में खुद में भी थी, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो आप मेरी तरह शुरुआत कर सकते हैं, फेस मत दिखाइए, वॉइस मत दिखाइए, लेकिन थोड़ी सी शुरुआत कीजिए कुकिंग वाली वीडियो ऊपर से। इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं कैसे अपनी वीडियो शूट करती हूँ, आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो उस तरीके से शुरुआत कर लीजिए, बाद में फेस दिखा लीजिएगा जब आपको लगे कि हाँ मेरा चैनल ग्रो कर चुका है, अब मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, तो अब आप अपना फेस दिखा सकते हैं। और अगर आप पहले से शुरुआत में दिखा सकते हैं तो वो तो और भी अच्छा है, उससे आपका चैनल का, आपका एक फेस वैल्यू बन जाएगी आपके चैनल के लिए। बस शुरुआत तो कीजिए, अगर शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे जो भी आपके मन के डर हैं वो सारे निकल जाएंगे। जैसे वीडियो बनाने को लेके, मैं कैसे वॉइस डालूंगी, मुझसे बोला नहीं जाएगा, तो पहली वीडियो मेरी है जो मेरी भी बिना वॉइस की है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने कोशिश की और जो दूसरी वाली वीडियो उसमें इतनी स्लो वॉइस आ रही है कि मतलब मुँह से आवाज ही नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल होता है। मुझे पता है अभी जो नए नए जिन्होंने बनाया होगा और बोलने की कोशिश कर रहे होंगे वो समझ पाएंगे मेरी इस बात को, तो बहुत मुश्किल होता है। अब तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत बोल मतलब हर एक वीडियो में बोलना, हर एक वीडियो में कैसे समझाना, कैसे करना, तो थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा है। अभी भी उतनी परफेक्ट नहीं है, अभी रोज़ मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, रोज़ धीरे धीरे मेरी वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट्स आ रही है, मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ेंगे, इसीलिए शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स होती रहेंगी और आपका चैनल ग्रो करता रहेगा। तो जिसने ये सोच लिया कि उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, धीरे धीरे ग्रो करना है, वो इस वीडियो को देखने के बाद अपना चैनल भी बनाएगा, धीरे धीरे ग्रो भी करेगा, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वीडियो बनानी है। और भी आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारे टिप्स दूंगी कि आप क्या क्या चीजें ऐसे कर सकते हैं जिससे आपका चैनल ग्रो हो सकता है। तो एक बार शुरुआत कीजिए, कोशिश कीजिए और आप अपने चैनल को एक लेवल तक लेके जाइए। अगर आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, तो आप जितना दिन लेट करते रहेंगे, जितना दिन लेट होते रहेंगे, आपका एक एक दिन कम होता रहेगा। देखिए डेली यूट्यूब पे कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि नए नए बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी नई नई क्रिएटिविटी के साथ यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप जितना लेट होते रहेंगे उतना आपके लिए कंपटीशन बढ़ता रहेगा। और अब तो शॉर्ट्स आ गए हैं, तो शॉर्ट्स के तरफ से आप आएंगे तो आप बहुत इजीली यूट्यूबर बन सकते हैं। तो एक नई ऑप्शन भी दी है यूट्यूब ने शॉर्ट्स की, तो वहां से तो यूट्यूबर बनना और भी इजी है। तो आने वाली वीडियो में आगे आपको बताऊंगी उसके बारे में भी। तो आप शुरुआत कीजिए, आपकी पहली वीडियो के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और अगर आप ऑलरेडी वीडियो बना रहे हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बनाते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।